नमस्कार दोस्तों, हमारी आज की रेसिपी का नाम है करवा, जो कि दही और चावल से बनने वाला एक ठंडा और मीठा व्यंजन है। ये गर्मियों के लिए बहुत ही अच्छा है और इसका टेस्ट भी बहुत अच्छा और बनाने में बहुत ही आसान है। आइए देखते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामान चाहिए। करवा बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए चावल, एक बॉल चावल जो कि पहले से बॉयल किए हुए हैं। एक दिन पहले बॉयल किए हुए हैं तो भी चलेगा, या कम से कम 2 घंटे पहले बॉयल करें, क्योंकि ये चावल हमें ठंडे चाहिए। इसके बाद अच्छे से जमा हुआ दही, शुगर, कुछ ड्राई फ्रूट्स, यहाँ हम ले रहे हैं चिरौंजी, किशमिश, बादाम कसे हुए और इलायची और कुछ केसर के थ्रेड्स। तो अब आइए देखते हैं, सबसे पहले दही को अच्छे से दही में चीनी डालेंगे और इसको अच्छे से मत लेंगे। चीनी को मिक्स करने के बाद अब हम इसमें इलायची, जो हरी इलायची छोटी वाली ली थी, उसको बारीक पीस के डालना है। इसके बाद कुछ रेशे केसर के, बाकी ड्राई फ्रूट जो भी आप लेना चाहें अपने मन के पसंद के ड्राई फ्रूट्स। अब ये अपने चावल का बाउल और इन सबको अच्छे से मिक्स कर देना है। बस आप चाहें तो इसमें कुछ आइस क्यूब्स भी डाल सकते हैं, जैसे कि एकदम चिल हो जाएगा। बस तैयार है आपका ठंडा ठंडा करवा। इसको सर्व कीजिए अपने बच्चों को, बड़ों को। गर्मी के लिए एक बहुत ही अच्छी ठंडी ठंडी डिश है, साथ में हेल्दी भी है। बाजार के कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह के बजाय ये एक बहुत ही ठंडी हेल्दी डिश है।